हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूँ अहमदाबाद में और ये है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन और इसके पास मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, जी हाँ, जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक जाने वाला है, उसका मैं आपको काम दिखा सकूँ कि कितना काम हुआ है अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का। और वैसे ये जो अपडेट है ये पहली बार मैं आपको देने वाला हूँ जी, इस जगह से भी और अहमदाबाद से भी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आगे सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो अगर आप देखोगे तो इस जगह पर मेट्रो स्टेशन भी है, तो बहुत ही सही जगह पर अगर आप देखेंगे तो बुलेट ट्रेन का जो काम है वो किया जा रहा है। इस तरफ है स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ से हम और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसी साइड आपको कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए टीम नजर आएगी। इस जगह पर क्या आपको दिखेगा, पिलर बनता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे पिलर्स यहाँ पर जो बनाए जाने हैं और उसी का काम इस जगह पर कंपनी कर रही है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बनाया जाएगा उसका काम इस जगह पर किया जा रहा है और ये ठीक किया जा रहा है अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक पैलरन में, जी हाँ, और बहुत ही परफेक्ट जगह सेलेक्ट किया है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर ना मेट्रो की एग्जिस्टिंग लाइन भी आपको दिखेगी। जी हाँ, आपको दिखाता हूँ मैं, यहीं से आपको दिख जाएगा स्टेशन। ये एलिवेटेड होने वाला है इसलिए बहुत सारे आपको यहाँ पर पिलर्स दिखने वाले हैं, क्योंकि पिलर के ऊपर ही होने वाला है और फिर ये इसी तरफ, जिस तरफ हम और आप अभी जा रहे हैं, ये आगे की तरफ जाएगा मुंबई की तरफ। और ये इधर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, ये देखिए, देख रहे हो। और ये रेलवे स्टेशन का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके एरिया को पूरा कवर कर दिया गया। तो इस वक्त मैं हूँ 9 पे और अगर आप देखेंगे तो 10, 11 और 12 जो है उसको पूरी तरीके से कवर करके और उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर आपको पिलर्स के स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, पिलर के पूरा ऊपर होने वाला है, तो इसी वजह से पिलर का पूरा हिस्सा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर तो अभी पिलर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है, पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पिलर जो है ना वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे पिलर जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आधे पिलर बन चुके हैं, क्योंकि अभी पिलर की हाइट और भी की जानी है और अच्छी खासी की जानी है। जी हाँ, राइट हैंड साइड में मेरे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पिलर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है, पिलर बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, इसी वजह से आपको सरिये का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं, और भी आगे चलो, चलो चलते हैं। इस जगह पर देखोगे तो दोनों तरफ ट्रेन नजर आएगी, एक जो कि आई है गोरखपुर एक्सप्रेस और ये तो बहुत देर से लगी हुई है, और ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ही अलग और एडवांस देखने को मिलेगा। ये भी अच्छा है कि मैंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का भी थोड़ा सा लुक आपको दिखा दिया है, क्योंकि जब भविष्य में ये स्टेशन पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो जाएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ये देखने का कि पहले ये कैसा दिखता था, है ना। और मेरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए कंपेयर करने के लिए कि देखिए कुछ सालों पहले तक ये ऐसा दिखता था, आज ऐसा दिखता है। लेकिन ये तैयारी भविष्य की है, इसलिए भविष्य की तैयारी आज कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा इस रेलवे स्टेशन का भी आपको दिखा दिया।
वैसे ये देख रहे हो डीजल इंजन, ये आने वाले कुछ वक्त में ख़त्म ही हो जाएंगे, देखने को नहीं मिलेंगे हमें। मिलेंगे मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हो, क्योंकि इंडियन रेलवे फुल फोर्स में जुटी है कि जितने भी डीजल इंजन है ना उनको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल इंजन लगाए जाए जी, और इसकी दिशा में बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। वैसे अहमदाबाद वाले इस हिस्से पे देखोगे ना तो ये जॉइंट वेंचर है, दो कंपनियां मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। और भी आगे चलो, चलो चल ही रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर के पहले फाउंडेशन तैयार हो चुका है, पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर। इसी वजह से आपको सरिये का पूरा ये स्ट्रक्चर दिखेगा। इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद पाइलिंग का काम किया जा रहा है, इसी वजह से वहाँ पर आपको मशीन दिखेगी जिसकी मदद से पाइलिंग का काम किया जाएगा। लेकिन इस तरफ वाले हिस्से पे यहाँ पर तो फाइनली पिलर बनाने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। सच बताऊं तो मजाक में ही मैं बहुत आगे आ गया हूँ वॉक करके, अब एहसास हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे कुछ काम तो हो नहीं रहा है तो इसलिए वापस जाना ही बनता है। लेकिन हम और आप यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं, मैं तब तक इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा जब तक हम और आप बुलेट ट्रेन के ऊपर सफ़र कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, और आपको अगर देखना है इसी तरीके से कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।